सो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कुछ पेस्ट रखा हुआ है और बहुत सारा हमारा जो हमने एक वीडियो डाला था जिसमें बहुत सारे रिपेयरिंग टूल्स का हमने अनबॉक्सिंग किया था और बहुत सारे रिपेयरिंग टूल्स का आपको दिखाया था हमने, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ये जो पेस्ट है उसमें कौन सा सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं अभी पेस्ट का पूरा आपको लेके आया हूँ, इसमें सारी पेस्ट को लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पहला पेस्ट है। अब एक्चुअली होता क्या है, कई सारे जो दुकान वाले हैं बहुत जो नए होते हैं और जो लोग अभी शुरू किए हैं या फिर जो लोग कर रहे हैं काम, तो उनको क्या है कि नॉर्मल सा पेस्ट यूज करते हैं और कभी बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, और बदलते नहीं हैं तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा पेस्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब आप जब बदलोगे तब तो आपको लगेगा अरे ये काश मैं पहले यूज़ कर लिया होता, इतना अच्छा पेस्ट में छोड़ के मैं कौन सा पेस्ट यूज कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, तो मैं अभी बताऊंगा। जैसे कि मैं इसको यूज करता था, ये भी अच्छा ही पेस्ट है, लेकिन होता क्या है कि इस पेस्ट में स्मोक इतनी निकलती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अब कई सारे पेस्ट होते हैं जो लगाते ही वो क्या धुआं बन जाते हैं और सूख जाते हैं, और ये पेस्ट है कि गीला पेस्ट है, ये तुरंत नहीं सूखता है, थोड़ा टाइम लगता है, बस स्मोक बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ये पेस्ट तो मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूँगा। अभी मैं जो आपको चीज़ दिखाऊँगा, एक ये देखिए, अब ये क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे तो टिप, आप ध्यान से पढ़िए यहाँ पर, टिप रिफ्रेशर। और ये चीज़ है आपका, जैसे मान के चलिए कि आपका जो टिप है यानी कि जो आपका सोल्डरिंग आयरन है उसको आपका जैसे मान के चलिए कि पूरा जंग लग गया है, फिर ख़राब हो गया है उस पर, तो आप इसमें आप डाल के उसको रिफ्रेश कर सकते हो, यानी कि उसको क्लीन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और उसके बाद आप पेस्ट यूज करोगे तो बहुत ही अच्छा काम आएगा। और ये कुकू का है और काफ़ी अच्छा, ये भी कंपनी अभी मार्केट में चल रही है, और कुछ इस प्रकार का ये दिखता है अंदर से, देखिए ध्यान से, मैं अगर आपको कैमरे में दिखाने को, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास, अगर मैं सबसे बेस्ट पेस्ट की बात करूं तो अभी मैंने मंगाया है मैकेनिका, और ये जो पेस्ट है ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा, और इसमें दो चार चीज़, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इस पेस्ट में एक खास चीज़ दी हुई है, ये वाला ढक्कन। अब इसको यूज किया, जैसे आप इतना सारा पेस्ट को आप एक ही बार इसमें सोल्डिंग आयरन डाल डाल के यूज करोगे तो पूरी तरह से ये ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा निकालो और इस ऊपर वाले ढक्कन में डालो, इसको यूज करो, फिर खत्म हो जाए, फिर उसमें डालो, ऐसे करके आप यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये पेस्ट भी बहुत अच्छा है, बट इसमें भी एक दिक्कत है कि स्मोक इसमें भी थोड़ा बहुत निकलता है। तो ये भी पेस्ट लेकिन आप लगा सकते हो, बाकी जैसे चार्जिंग जैक हुआ, आपका पिन वगैरह हुआ, या फिर आपका माइक वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें इसको यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको आईसी लेवल पर वर्क करना है तो एक पेस्ट ये है, और ये पेस्ट काफ़ी देखने में कम है लेकिन महंगा है। ये मुझे पड़ा था 160 रुपये या फिर कुछ, ऐसे याद नहीं आ रहा है मुझे, शायद 100 या 160 कुछ पड़ा था। और एक्चुअली मेरा हाथ स्लिपी हो गया, मैं इसको अभी खोल के दिखाता हूँ। तो ये पेस्ट अभी आपको अगर मार्केट में चाहिए पेस्ट, तो मैकेनिका वो मंगा लीजिए, नहीं तो ये वाला पेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो ये पेस्ट मंगा लीजिए, और नहीं तो ये वाला पेस्ट री लाइफ का। ये पेस्ट तो इतना बेस्ट है कि मैं आपसे क्या बताऊँ, ये पेस्ट मुझे बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये जो पेस्ट है इसको अगर आप किसी भी कनेक्टर, जो प्लास्टिक का कनेक्टर रहता है उसको निकालने में यूज कर रहे हो तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है, और बहुत ही अच्छा सोल्डिंग फिनिशिंग के साथ चिपकता है। मतलब इस पेस्ट की जितनी तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि ये रियल लाइफ का पेस्ट है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, बट इसमें जो प्लास्टिक जो है वो पिघलने नहीं देता है, मतलब पिघलता ऐसा नहीं है, अब आपको अंदाज़ा नहीं देगा तो आप कुछ भी पिघला दोगे, बट एक होता है कि एक आप जब एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा, जब आप दो चार बार काम करोगे तो एक अंदाज़ा आपको मिल जाएगा, उसके बाद से आप जब इसको यूज़ करोगे तब आपको लगेगा कि हाँ क्या मैंने पेस्ट दिया है। इसके अलावा एक ये पेस्ट है, ये है सोल्डिंग का, आपका एक तरह से कहा जाता है पीपीडी, एक तरह से कह सकते हो पीपीडी टाइप का है, आपको सोल्डिंग पेस्ट दोनों अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी शायद मैकेनिक का ही है, हाँ मैकेनिक का है। तो इसको आपको क्या है कि पेस्ट और सोल्डिंग दोनों मिक्स है, आपको कहीं भी लगा देना, और लगाने के बाद से बस आपको सोल्डिंग आयरन यूज कर लेना है, आपको ना पेस्ट लगाने की ज़रूरत है और ना ही केमिकल, यानी कि आपका ये पेस्ट और सोल्डिंग रंगा आयरन जो भी है दोनों को एक साथ मिक्स करके कंबाइन करके वो बनाया गया है, तो वो भी बहुत अच्छा है। बट अगर आपको सिर्फ पेस्ट की बात करूँ तो आप अभी ये दो चीज़ रिकमेंड कर सकते हो, ये दोनों पेस्ट अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो आप इन्हें लाइए और यूज करिए, आपको मैं मतलब यकीन दिलाता हूँ कि आप इसको अगर यूज करोगे तो बाकी सारे पेस्ट को आप भूल जाओगे। हालांकि ये भी पेस्ट बहुत अच्छा है, बट मतलब इन दोनों के बाद इसको अगर तीसरा नंबर बोलूँ तो ये सबसे बेस्ट, सेकेंड ये, और ये दोनों एक साथ में कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों लगभग देखने में भी सेम है और अंदर से भी इसका जो सेम चीज़ है, इसमें देखिए वाइट कलर का ये भी है और ये भी वाइट ही कलर का है, बट अभी खुल नहीं रहा है कि रुकिए मैं एक मिनट खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये दिखता है, हल्का उससे थोड़ा सा अलग कलर है, बट ये दोनों, ये पेस्ट भी सही है और ये भी पेस्ट है ये, लेकिन ये सबसे नंबर वन पेस्ट है। और इसको जब आप यूज करोगे माइक्रोस्कोप में, इसको यूज करके जब लगा के आप सोल्डिंग आयरन देखोगे तो इसके अंदर से बबल टाइप का अजीब से निकलता है, बहुत ही अच्छा, छोटा छोटा एकदम बारीक बारीक, बहुत अच्छा दिखता है और काफ़ी अच्छा पेस्ट है। मतलब मुझे क्या ही बताऊँ आपसे, इतना बेहतरीन है कि मुझे, मेरे पास कोई शब्द नहीं है।
तो ये पेस्ट मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो अभी अगर आपको मार्केट में मिल रहा है तो ये वाला पेस्ट आप कंसीडर कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, पेस्ट के लिए ये मैं वीडियो बनाया था। अगर जितने भी हमारे टेक्निकल भाई हैं उनको अगर चाहिए तो आप लोग ये मार्केट में देखिए, और ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादा बेटर होगा, कम रेट में मिलेगा और अच्छा रहेगा, आप ऑफलाइन से ही ढूंढिए इसको। बाकी ऑनलाइन में अगर नहीं मिलता है आपको ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन भी जा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।